वो सरकार निकम्मी है। अरे बैनर तो लाना है। वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाबा साहब आपका मिशन अधूरा है। वो समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बाबा आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बाबा आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा। बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अत्याचार अच्छा विरोध, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अरविंद बनसोडला न्याय मिळाला पाहिजे, अरविंद बनसोडला न्याय मिळाला पाहिजे, बहुजन समाज पार्टीचा इलेक्ट्रिक बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। इलेक्ट्रिक बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। पानी का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। पानी का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। घर का टैक्स माफ करो, माफ करो, माफ करो। महाराष्ट्र राज्याचे प्रभारी सन्माननीय ॲडव्होकेट वीरसिंग साहेब आणि महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सन्माननीय ॲडव्होकेट संदीपजी ताजने साहेब यांच्या दिशानिर्देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निवेदन देऊन धरणे आंदोलन करण्याचे दिशानिर्देश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने आज नागपूर जिल्ह्यातर्फे संविधान चौकामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाणार आहोत आणि तिथे आंदोलन करणार आहोत। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी प्रदेशचे महासचिव सन्माननीय प्राध्यापक भाऊसाहेब गोंडणेजी उपस्थित आहेत, मी जिल्हाध्यक्ष संदीप मेश्राम आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या मागण्या आहेत। आज लॉकडाऊन पिरियडमध्ये जे विजेचं बिल त्यांनी दिलेलं आहे ते विजेचं बिल अन्यायकारक आहे, कारण की 3 महिने हाताला काम नसताना त्यांनी त्याच्यामध्ये वहन कर आहे तो वाढवलेला आहे आणि त्यांचं जे डिसिप्लिन असते की 1 युनिटपासून 100 युनिटपर्यंत कमी शुल्क असतो, पण ह्या 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं बिल न देता एक मोठा अमाऊंट 3 महिन्याचं लागत बिल दिलं, त्याच्यामध्ये युनिटची संख्या वाढलेली आहे, त्याच्या कारणानं खूप मोठा भार सर्वसामान्य जनतेवरती लागलेला आहे, भर पडलेला आहे। त्याचसोबत सर्वसामान्य जी जनता आहे ती स्लम भागात राहते आणि स्लम भागात राहत असताना जे ऑटो रिक्षा चालक असतात आणि त्यांनी 3 महिन्याची हप्ते भरले नाही अशा कारणाने बँक त्यांच्याकडून सक्तीने हप्ता वसुली करतात आणि त्यांच्यावरती अन्याय करतात, त्यांचे ऑटो रिक्षा उचलून घेतात। हा एक प्रकारचा अन्याय आहे। आमची अशी मागणी आहे की 6 महिन्याचे जे ऑटो रिक्षाचे जे हप्ते आहेत ते माफ करावे। त्याचसोबत
त्याचसोबत सोबत आमची अशी मागणी आहे की जे 6 महिन्याच्या परिस्थितीमध्ये जो काही अन्याय झालेला आहे, दलित आदिवासीवरती जो अन्याय झालेला आहे, फास्ट कोर्टच्या माध्यमातून त्यांची लवकरात लवकर त्यांची न्याय व्हावी, त्यांना ज्यांची न्याय व्हावी आणि त्यांना त्या परिवाराला कमीत कमी 50 लाख रुपये राज्य सरकारकडून देण्यात यावे. आज ही जी सरकार आहे ही सरकार बहुजन हिता आहे, बहुजन हिताची सरकार नाही आहे. कारण की ह्या राज्यामध्ये खूप साऱ्या अशा समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये खूप सारा सर्वसामान्य जनतेवरती अन्याय होता आणि त्या सर्व समाजाच्या अन्याय नाही व्हायला पाहिजेत म्हणून सगळ्यांनी बहुजन समाज पार्टी ह्या राष्ट्रामध्ये ह्या राज्यामध्ये आंदोलन करत आहे. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. बहुजन समाज पार्टी की ओर से केवल नागपुर जिले में ही नहीं तो बल्कि महाराष्ट्र के सभी जिले में आज 7 जुलाई को धरना निर्देशन और आंदोलन का जो कार्यक्रम है, ये बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने साहब के दिशा निर्देशन पर दिया हुआ है. हमारी प्रमुख मांग यह है कि जो कोरोना इस बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं उन लोगों के उपचार के लिए कम से कम सरकार ने 1 लाख रुपए का अनुदान देना चाहिए उस परिवार को. जिस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसा अगर व्यक्ति कोरोना की बीमारी से गुजर गया है तो ऐसे परिवार को राज्य सरकार ने 10 लाख का अनुदान देना चाहिए. साथ में हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है, इन लोगों की जो फीस है वो फीस माफ़ करनी चाहिए. विद्यार्थियों को मिलने वाला जो स्कॉलरशिप है उसकी तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए. और ख़ास तौर पर इस महाराष्ट्र में जो मजदूर वर्ग है, जो छोटा मोटा धंधा करके अपना परिवार पालता है, उनके हालात पिछले 3 महीने में इतने ख़राब हो गए हैं कि शायद आप लोगों को भी पता चला होगा कि कुछ लोग गरीबी के कारण आत्महत्या भी कर लिए. उसमें घटना नागपुर में भी हुई है नाई समाज के तरफ से. तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनको राज्य सरकार ने अनुदान देना चाहिए. जो शेतकरी वर्ग है उनकी हालात भी बहुत ख़राब है, उनको भी अनुदान देना चाहिए. और जिन लोगों ने कर्ज लेकर व्यवसाय के रूप में ऑटो लिया है, टेम्पो लिया है, कोई वाहन लिया है रोजगार के हिसाब से, तो बचत गट वालों ने लोन लिया हुआ है, तो ऐसे लोन भी जो है कम से कम 6 महीने के लोन राज्य सरकार ने माफ़ करना चाहिए. तो इस महाराष्ट्र में जो कोरोना के वजह से जो दुख तकलीफ और मुश्किल के हालात जो बने हुए हैं, तो हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र में हर जिले में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की भी व्यवस्था होनी चाहिए. इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं. ये सर्वजन समाज के, दबे कुचले समाज के हक और अधिकार के लिए, उनके मूलभूत अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं. जय भीम.